हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो एपिसोड 20 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तैंगसू यीवू और मैंगमैंग के साथ डांस की रिहर्सल कर रही होती है। ब्रेक टाइम में तैंगसू यीवू से कहती है कि वो उसने उहुआंग का घर छोड़ दिया है। तो मैंगमैंग ये बात सुन लेती है, पर तैंगसू कहती है कि उहुआंग को अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत भी है। तो यीवू कहती है कि मुझे तो डर था कि तुम कहीं ब्रेकअप ना कर लो, तो अब तुम रहोगी कहाँ, एक काम करो तुम मेरे साथ रह जाओ। पर तैंगसू मना कर देती है। तभी स्टाफ मेंबर आकर किसी काम से दोनों को बुला लेती है, तो दोनों अपना फ़ोन वहीं रखकर चली जाती है। तभी मैंगमैंग मौका देखकर तैंगसू के फ़ोन से उहुआंग को मैसेज करती है और किसी होटल में मिलने के लिए बुला लेती है। तो उहुआंग रूम में पहुँच जाता है, वहाँ सभी खाने की चीज़ें अरेंज की होती है। उसे देखकर वो खुश हो जाता है और उसे लगता है कि ये सब तैंगसू ने ही किया है, और वहाँ का जूस उठाकर पीने लगता है और उसे नशा चढ़ने लगता है क्योंकि मैंगमैंग ने उसमें नशे की दवा डाली होती है। मैंगमैंग वहाँ आकर उहुआंग को छूने लगती है। उहुआंग नशे में होता है तो वो उसे तैंगसू मान बैठता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ची ये तैंगसू से पूछता है कि तुमने उहुआंग को होटल में मिलने के लिए बुलाया था ना, तो तैंगसू शॉक हो जाती है और कहती है कि उसे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैंगमैंग उहुआंग के क्लोज आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, पर उहुआंग उसे पहचान लेता है और उसे पुश करके कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो मैंगमैंग कहती है कि तुम तो मुझे लाइक करते हो ना, तो मेरे करीब क्यों नहीं आ रहे हो। तब तक तैंगसू और यीवू वहाँ पहुँच जाती है और देखते हैं कि मैंगमैंग बेड पर होती है और उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। जब तैंगसू उहुआंग को आवाज़ देती है तो उहुआंग कहता है कि मैं वॉशरूम में हूँ। तो तैंगसू वहाँ जाती है तो उहुआंग कहता है कि प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैंने कुछ नहीं किया है। तो तैंगसू उहुआंग को हक करके कहती है कि तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि उहुआंग अपने घर में रेस्ट कर रहा होता है। तभी तैंगसू उसे कहती है कि वो उसे ट्रस्ट करती है और उसके लिए खाना बनाने चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उहुआंग डायरेक्टर लुओ से मिलके कहता है कि वो तैंगसू का कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे। तो डायरेक्टर लुओ कहता है कि मैं तैंगसू को किसी भी हाल में जाने नहीं दे सकता। तो उहुआंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए। तो डायरेक्टर लुओ उहुआंग से कंपनी के शेयर्स मांगता है। यहाँ हम देखते हैं कि उहुआंग की मॉम तैंगसू को मिलने के लिए बुलाती है। तो तैंगसू को वहाँ जाकर ये पता लगता है कि उहुआंग ने उसके लिए अपने शेयर्स डायरेक्टर लुओ को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो वो परेशान होकर उहुआंग को ढूंढने चली जाती है और उसे कहती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए मुझे मनाना चाहिए था और मैं तैयार भी हो जाती, पर तुम्हें अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं थी। तो उहुआंग उसे बिठा कर कहता है कि शांत हो जाओ, चलो सेलिब्रेट करते हैं, फाइनली तुम फ्री तो हो गई। तो तैंगसू उसे कहती है कि मेरे लिए अपने शेयर्स बेचकर तुम्हें सेलिब्रेट कैसे कर सकते हो। तो उहुआंग कहता है कि फिक्र मत करो, मैं दूसरे ले लूँगा, और उसे वो ब्रेसलेट फिर से पहना कर कहता है कि प्रॉमिस करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस ब्रेसलेट को कभी नहीं उतारोगे और मुझे बिना बताए ऐसे कहीं नहीं जाओगे। तो तैंगसू कहती है कि ठीक है, ऐसे फिर कभी नहीं होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मैंगमैंग उहुआंग और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है और कुछ प्लान भी बना रही होती है। तभी उसे एक कॉल आता है और पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैंगमैंग उनसे मिलने चली जाती है, बट मैंगमैंग की असिस्टेंट वो वीडियो किसी को सेंड कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि कंपनी में बोर्ड मीटिंग चल रही होती है और सब उहुआंग का वेट कर रहे होते हैं, पर उहुआंग वहाँ नहीं आता। तो उहुआंग का कज़िन सबको उहुआंग और मैंगमैंग की वीडियो दिखा देता है और कहता है कि उहुआंग सीईओ बनने के लायक ही नहीं है। सभी बोर्ड मेंबर्स में भी उसके हाँ में हाँ मिलाकर उहुआंग को सीईओ की पोजीशन से हटा देते हैं। उहुआंग की मॉम भी कुछ कह नहीं पाती। फिर न्यूज़ में भी वो आर्टिकल छप जाता है। जब उहुआंग वो आर्टिकल देख लेता है तभी शॉक हो जाता है कि उसे कंपनी से निकाल दिया है। तैंगसू भी वो आर्टिकल पढ़ लेती है और उहुआंग को कॉल करती है, मगर उहुआंग कॉल नहीं उठाता। तभी तैंगसू को उसके पर्स में उसके पुराने घर की चाबी मिल जाती है और वो सोचती है कि शायद उहुआंग वही होगा। तो तैंगसू खाना वगैरह लेकर वहाँ चली जाती है, उहुआंग वही होता है। तो तैंगसू कहती है कि अच्छा तुम यहाँ हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने ये घर खरीद लिया है। तो उहुआंग उसे कहता है कि मेरा जो घर है वो मेरी मॉम
का दिया हुआ है, तो मैंने वो उसे वापस कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तैंगसु कहती है कि ठीक है, हमें बड़े घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ रहने लगते हैं। तैंगसु ये ऑब्जर्व कर रही होती है कि हुआंग बहुत अपसेट रहने लगा है और वो उसे छोड़कर काम पर भी जा नहीं रही होती है। तो यी वो तैंगसु से मिलने आती है और उसे समझाती है कि उसे काम छोड़कर ऐसे घर पर बैठे नहीं रहना चाहिए। तो तैंगसु उसे कहती है कि हुआंग बहुत अपसेट है और वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तो हुआंग ये सारी बातें सुन लेता है और कहता है कि तुम्हें काम पर फिर से जाना चाहिए और मेरी फिक्र तुम मत करो, मैं अपने लिए कोई नई जॉब ढूंढ लूंगा। फिर हुआंग जॉब ढूंढने निकल पड़ता है। वो जाकर ची ये से मिलता है और पता लगवाने को कहता है कि उसका कजिन कंपनी में किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे फ्रॉड्स कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि हुआंग की मॉम तैंगसु को कॉल करके कहती है कि तुम हुआंग से प्यार करते हो ना और उसके लिए कुछ करना चाहती हो, तो वो टाइम आ गया है। और वो उसे मेंगमेंग का एड्रेस सेंड कर देती है। तो तैंगसु मेंगमेंग से मिलने चली जाती है और देखती है कि मेंगमेंग बहुत दर्द में होती है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा की डेथ हुई होती है। फिर मेंगमेंग उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ मुझसे झगड़ा करने आई हो ना। तो तैंगसु कहती है कि नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम और हुआंग और तुम्हारी सच्चाई के बारे में सबको बता दो। तो मेंगमेंग आखिर में मान ही जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हुआंग कंपनी गया होता है, वहाँ उसकी मॉम और ग्रैंडपा भी होते हैं। हुआंग अपने ग्रैंडपा को कजिन के बारे में सब कुछ बता देता है और ये भी बता देता है कि कैसे उसने कंपनी में फ्रॉड्स किए हैं और कैसे उसका नाम फंसा दिया है। तो ग्रैंडपा उसके कजिन को कंपनी से निकाल देते हैं और हुआंग फिर से सीईओ की पोजीशन पर आ जाता है और अपनी मॉम के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है जिसका लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। जब तैंगसु ये कॉन्फ्रेंस देख लेती है तभी उसे पता चलता है कि हुआंग तो अपनी कंपनी गया था और जॉब ढूंढने नहीं, और इतने दिन अपसेट होने का नाटक भी कर रहा था। तो तैंगसु जाकर हुआंग से पूछती है कि उसने ये सब नाटक क्यों किया। तो हुआंग उसे कहता है कि मैं सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और नहीं चाहता था कि तुम पे कोई स्ट्रेस आए, पर तैंगसु नहीं मानती और गुस्सा होकर वहाँ चली जाती है। बहुत दिन हो जाता है पर वो हुआंग से बात नहीं करती। हुआंग भी यहाँ सोच रहा होता है कि वो तैंगसु को किस तरह से मनाएगा। फिर हुआंग अपनी मॉम को मना लेता है और उसकी मॉम उसके और तैंगसु की शादी के लिए मान ही जाती है। यहाँ यी वू और ची ये भी शादी करने का फैसला करते हैं और जब उनकी शादी का दिन आता है तब हुआंग तैंगसु के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। वो अपनी और तैंगसु की स्टोरी को एक नॉवेल फॉर्म में डिस्प्ले कर देता है। ये देखकर तैंगसु बहुत खुश हो जाती है। फिर हुआंग उसे रिंग देकर प्रपोज कर देता है पर तैंगसु उसे पानी में फेंक देती है और कहती है कि अब से तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी, और उल्टा उसे ही प्रपोज कर देती है और पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो हुआंग हाँ कहकर उसे किस कर देता है। इस तरह से ये ड्रामा यहाँ खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस मेरे वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए। ऐसे और ड्रामास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।